शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज सोमवार है, शिव बाबा का दिन। ठीक है, ट्रांसलेशन ठीक है? सोमवार है, शिव बाबा का दिन, कल्याणकारी बाबा का दिन, भोलानाथ बाबा का दिन और वरदानों से भरने वाला वरदाता बाबा का दिन, कल्याणकारी और भोलानाथ। तो बाबा की जितनी पहचान आती जा रही है, अंदर का आंख खुलती जा रही है, उतना ही कल्याण हो जाता है हमारा। लगता है इसमें कल्याण है, कल्याण है, कल्याण है, कल्याण है। बाबा कहते सब में कल्याणकारी है, हम कहते बाबा आप कल्याणकारी हो। ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, हर सीन जो सामने है ना, बड़े कल्याण भरा हुआ है। तो बाबा भोला नाथ कल्याणकारी है, मैं उसका बच्चा हूं। उसमें बच्ची नहीं कहते हैं, हर आत्मा कहती है मैं बच्चा हूं। तो हम 5-10 मिनट वो सुनाने चाहती हूं, जो बाबा कहता है वो हमारे दिल में हो, मन में हो, दिमाग में हो, दिल मन दिमाग। जो दिल मन दिमाग में होगा वो हमारे चलन में आ जाएगा, अपने आप आएगा। पहले दिल है, मन है, फिर वो शरीर में है ना, शरीर में दिल भी है, दिमाग भी है, शरीर के साथ कनेक्शन है दिल और दिमाग का। आत्मा का कनेक्शन है मन बुद्धि के साथ, ऐसे है। आत्मा का, आत्मा में संस्कार है, पर संस्कारों का पता चलता है मन बुद्धि से। मन बुद्धि मन मन मनाभव हुए, बुद्धि योग बाबा से लगा, संस्कार अंदर ही चेंज हो गए, तो दिल और दिमाग बिल्कुल दूसरा हो गया। इस शरीर में आत्मा का ध्यान से सुनना सभी, इस शरीर में आत्मा वही है, पर मन बुद्धि, मन को आर्डर मिला, मन मना भव है, बुद्धि को परमात्मा ज्ञान भर करके अच्छी तरह से कहते योग लगाओ, कनेक्शन में से जोड़ो। तो मन मना भव होने से भटकना तो छूटी, मन जो भटकता है इधर उधर, बेचारा बेचारा जूठ में फंसा पड़ा है, वो मन भगवान में तो लगा, खुशी तो आई, भाग्यवान तो समझा अपन को, तो बुद्धि अच्छा काम करने लगी। एम एन ऑब्जेक्ट सामने रखना आसान हो गया, उनका जो है ना जितना अंदर मन बुद्धि, मन भटकना, भटकता भी है, चलायमान भी होता है, डोलायमान भी होता है, भय भी होता है, मन फिक्र में चिंता में भी लेके जाता है मन, उसका इफेक्ट दिल और दिमाग पर होता है। समझ रहे हो ना सभी? हाँ हाँ तो करो ना। इफेक्ट मन बुद्धि का दिल दिमाग पर होता है, शरीर में आत्मा है ना,
पर शरीर ठीक भी हो जाता है ना मन बुद्धि से। मैं दिल से कहती हूं, थोड़ा प्यार से स्वीकार करो, राइट है ये, समझो मेरा मन बुद्धि अभी ठीक हो गया, शरीर भी ठीक हो गया। मन बुद्धि ठीक नहीं है, शरीर भी बेचारा ठीक नहीं होता है, बेचारा हो जाता है, कि मन बुद्धि ने शरीर को डाउन कर दिया। उसमें डीप में अंदर संस्कार है, पर संस्कार भी जो पुराने हैं वो भी कैसे चेंज होंगे मन बुद्धि से। पहली लाइन सब सुनो भाई बहने, पहली दूसरी तीसरी सब सुनो, चेंज होते हैं मन बुद्धि से। तो हमारा अटेंशन यानी अपने ऊपर अटेंशन, अटेंशन है मन पर, मन को स्थिर बनाना तो बुद्धि ठीक काम करे। मन मनन करना तो व्यर्थ चिंतन से फ्री हो जाए। मनन तभी चलता है जो मन को जो बात अच्छी लगती है, मनन मंथन चिंतन। अगर व्यर्थ चिंतन कहेंगे वो ज्ञान मनन और डीप मंथन करने नहीं देगा। ज्ञान मनन, मन में प्यारा लगा, मंथन डीप चला गया, चिंतन मेरा चेंज हो गया, स्व चिंतन स्व को बाबा के तरफ, नहीं तो व्यर्थ चिंतन ज्ञान को मनन करने नहीं देता। अब ये अपने ऊपर अच्छी तरह से एनालाइज करके, अपने ऊपर ऐसा है बिल्कुल सही सच्ची सिंपल बात और अपने कल्याण के लिए बात वो करने लग पड़े ना तो बड़ा फर्क दिखाई पड़ता है। कंटिन्यू फिर है कंटिन्यू, शुरू किया ना, अगर कंटिन्यू ना रखेंगे ना तो कभी सहज लगता है। तो कोई भी मेरे से बात करते हैं, मैं कहती हूँ बात भले करे पर क्लास में मैं जवाब दे रही हूँ, पर्सनल बात करने वालों, हम पर्सनल बात कर रहे हैं अभी, जैसे हमको हमेशा फीलिंग आई है बाबा मेरे से पर्सनल बात करता है, मुरली मेरे लिए पर्सनल चलाता है, बताता जनरल है पर तू बाबा कहता है, भले जनरल है पर पर्टिकुलर पर्सनल, अपने बच्चे को सुनाता हूं, अपने बच्चे को सुनाता हूं। जो अपने बच्चे को सुनाता है ध्यान से सुनते हैं ना तो उनका मनन मंथन, मनन बस मन में वही बात है, डीप जाएंगे मंथन, उनसे निकला अमृत। जो शास्त्र में विष्णु भगवान ने अमृत मंथन करके लक्ष्मी के सिर पर रखा, ये मंथन करेंगे ना तो यह अमृत होगा सिर पर, वाणी मीठी हो जाएंगी। तो जैसे कल बाबा ने कहा पर आया दिल दिमाग पर, तो दिल खुश हो गई, दिमाग ठंडा हो गया, स्वभाव सरल हो गया। सुबह में सरलता आएंगी, सुबह सरलता माना, अब ये है हिंदी शब्द पर बाबा के मुख पर सरलता जो शब्द का समझ जाते थे, सरल माना सहज भी हो। और बड़ा मीठा भी हो और दिल को लगने वाला हो। जैसे दिल किसी हर्ट हुई परी हुई हो ना, वो हील करने वाला हो,
स्वभाव ऐसा हो। अगर हम स्वभाव पर चेंज नहीं करेंगे ना तो हमारे में रियली चेंज आएंगी नहीं, आएंगी ऊपर पर से आएंगी, अंदर से नहीं आएंगी। कभी मीठा मुश्किल, मीठा रहना मुश्किल, बाकी जैसा अंदर है वो मुख पर आता है। क्यों? अंदर में सच्ची दिल दिमाग ठंडा, स्वभाव सरल रखने का लक्ष्य नहीं है। और कुछ पुरुषार्थ न करें, लंबा चौड़ा पुरुषार्थ नहीं है। अंदर दिल से दिल को देखें, दिमाग को देखें, स्वभाव को देखें, तो कहेंगे ये ऊंच पद पाने वाली आत्मा है, इसका ध्यान है ऊंच पद पाने का। बाबा जो कहता है ना पद ऊंचा, ऐसे कईयों को पद की पद का ख्याल ही नहीं है। इसलिए न मन बुद्धि ठीक काम करता है, मन मन अनुभव कभी है कभी नहीं है, बुद्धि ज्ञान का मंथन कभी करती है बाकी रियली नहीं करती है। जो मीठा बने, अमृत निकल आए, रतन हो जाए ज्ञान, पहले अच्छा लगा बुद्धि को, अच्छा है, काम की बात है, पर मीठा नहीं बना है। बहुत मीठा है, शक्ति बहुत है, सिर्फ मीठा नहीं पर शक्ति बहुत है। अंदर से अपने आप को समझने और परिवर्तन करने की वंडरफुल है ये तो एकदम। ज्ञान क्यों अच्छा लगता है? समझने, अपने आप को समझने, परिवर्तन करने की शक्ति दे रहा है ज्ञान। पर इसकी वैल्यू कितनी है? रत्नों के क्या वैल्यू रत्नों के बराबर करे? ये प्रभु का नूरी रत्न बनाने वाला है, प्रभु के नूर के रतन, जिसको दुनिया पीछे कहेंगे ओह प्रभु तेला लीला, और ये है मैं प्रभु के। पहले ज्ञान अच्छा लगा, फिर मीठा लगा, फिर जीवन में आया, जीवन की वैल्यू को बताया। तो जैसे आज ख्याल आया, बाबा कहता है तुम ईश्वर के गुण जो है ना, उनसे तुम संपन्न बनेंगे। बाबा कहते संपन्न बनो, संपन्न बनो। तो मैंने सोच लिया एक सेकंड में, मुझे देरी नहीं लगती है। जो बात स्पष्ट करनी है ना बुद्धि में, सेकंड में स्पष्ट हो जाती है, तो आसान हो जाता है। बाबा कहते संपन्न बनो, समान बनो। समान बनने का ख्याल होगा तो संपन्न बनेंगे। मेरे बाबा के समान तो संपन्न बनेंगे। संपन्न कैसे बनेंगे? जो बाबा के गुण है ना उन पर ध्यान है, वो गुण मेरे में। प्यार तो है बाबा का, जितना प्यार बाबा करता है उतने उनसे दस गुना मैं ज्यादा करूं तो सारे गुण मुझे दे देगा। कम से कम 10 गुना 100 गुना प्यार तो मैं तो करूं। प्यार सबको करता है पर मुझे स्पेशल करे, तब करेंगे जब मैं 10 गुना 100 गुना करेंगे। क्यों करेंगे? बाबा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये मैं आपको दिल की बात सुनाती हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा मुझे कुछ ये मस्तक को देखा, आप भी मस्तक को देखो, बाबा के मस्तक में ऐसे गुंज नहीं है, मस्तक में लाइट है। तो बाबा हमेशा ऐसे है, ऐसे मस्तक से आप जैसा। बच्ची कोई गिफ्ट दूं तो ध्यान देखती, ये गिफ्ट दे दो जो ये है ना। जैसे ये भाग्यशाली रथ है, मैं भी कम भाग्यशाली नहीं हूं। ये बाबा कहते ये भाग्यशाली रथ है जिसमें शिव बाबा आता है,
संगम पर आता है सिर्फ, और कोई के तन में नहीं आता है, इसी तन में आता है। कोई कल्पित तन चेंज हो नहीं सकता है, फिक्स टाइम पर आता है। सारे विश्व में ऐसा कोई तन है ही नहीं जो जिसमें आवे, वो कलयुग में, घोर कलयुग में, जब अनेक अधर्म है, धर्म भी अधर्म में चले गए हैं। देवता धर्म की, परमात्मा की भी गिलानी है ऐसे टाइम पर, और कोई तन भगवान को नजर आता ही नहीं है सारे विश्व में। अब देखेंगे ना, हम भी विश्व को सारा देखा है, ऐसा तन कोई है नहीं। जिसके जिस तन में हरि तो देखे अपनापन फीलिंग आए, जिसमें धर्म जाति का कुछ है ही नहीं, ये क्रिश्चियन है या हिंदू है या ना ना ना, ये धर्म से पार है। ऐसे तन में जैसे शिव बाबा आया, इस तन में अगर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा मुझे अपना बनाया तो ये भागीरथ है, पद्मा पद्म भाग्यशाली है। ये थोड़ी कहता है ये भागीरथ है, भाग्यशाली है, और हमको पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाता है। करोड़ों पद्मों में, आत्माओं में चुन चुन कर करके, हमको दृष्टि दे दे करके, प्यार करके करके मीठा बनाता है। तो आज मेरा भाव अर्थ है मीठा बनने का। बाबा ने बहुत ट्रेनिंग दी है, कुमारका दादी को बहुत ट्रेनिंग दी। वो तो आवाज से बोलती थी, कहते बाबा मैं वो शब्द रिपीट नहीं करती हूं, आवाज से क्यों बोलती हो। दूसरी दो तीन बहनों को मीठा बनाया, धीरे बोलो। ऐसी दादी को एक बार जरूर कहा, इतनी चेंज आई है, वंडर है, मेरे को भी ऐसे ऐसे इशारा करती है। एक बारी मुझे वो सीन याद है। तो जैसे कल बाबा ने कहा, सहनशीलता और संतुष्ट रहना दो विशेष गुण हैं, त्याग तपस्या का स्वरूप है। त्याग और तपस्या का स्वरूप है सहनशीलता और संतुष्ट रहना। पर त्याग और तपस्या अच्छी तब होंगी, सहनशीलता संतुष्ट रहना मेरा जैसे ईश्वरी गुण हो जाए, ईश्वर से गिफ्ट हो जाए। दोनों गुण विशेष है, पर वो सदा मेरे जीवन में हो तो जैसे बाबा की गिफ्ट हो। बाबा की गिफ्ट हो, सहन करना कोई बड़ी बात नहीं, गिफ्ट है, बड़ी बात नहीं। संतुष्ट रहना सब कुछ है, सब कुछ है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण के खजाने में, जब धीरज होगा। मीठा बनना हो तो धीरज रखो, धीरज धर्मनवा, धीरज मन को धीरज सिखाओ। जल्दी जल्दी बात न करे, मन बात जल्दी जल्दी करता है तो मुख भी करता है, नैन भी करते हैं। अंदर बैठ के अपनी घोर नशा चरे, घोट घोट करके अपन को ऐसा समझाओ सिखाओ जो मजा ले, आवाज से बात चले चले। क्योंकि अंतिम स्थिति को का आह्वान कर रहे हैं, वो हमारे पास ना आए तो कहां आएंगी। मैं गुरजादा सिंह, बाप दादा आने वाला है, बाप दादा आने वाला है, बाप दादा आने वाला, हमको पता है आने वाला है। वो क्या करती है,
मैं देखती हूँ है उसके कारोबार भी है, पर अपने बोलने को चिंतन तो करती नहीं है, पर विचारों को बड़ा श्रेष्ठ रखती है। मैं भी कॉपी करती हूँ, देखती तो हूँ, ऐसे तो नहीं बाप दादा आएगा, हमारे से भी बाप दादा ने क्या सिखाया है वो चेहरा सिखाएगा, बताएगा। कहने की जरूरत तो नहीं है भगवान सिखा रहा है, पर चेहरा बताएगा इसको भगवान सिखा रहा है। चलना फिरना बताएगा इसको ये सिखाने वाला कौन है। फौरन अंदर शांति, दूसरे को शांति मिली, कहां से मिली? भगवान के साथ मनुष्य नहीं दे सकता, देव भी नहीं दे सकता। देव के पास भी जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, शांति टेम्पररी मिलेंगी, थोड़ी, अंदर की नहीं। रोता हुआ गया, थोड़ा शांत हो गया, अच्छा कामना पूरी हो गई, या कोई पाप किया तो खिमिया थोड़े समय के लिए मिल गई, पर पाप करना छोड़ देवे। और बाबा के पास क्या, पाप खिमिया भी करता है पर पाप करना छुड़ा देता है। ऐसा शक्तिवान सर्वशक्तिवान है, खिमिया भी करता है पर कुछ पाप फिर न करो ना, शक्ति देता है। ऐसा भोला नाथ बाबा, तुमको क्या बनना है? जैसा वो बनाने चाहता है वैसा ही सेम, जो गीता में भी है, साक्षात तू मेरा रूप है अर्जुन, अभी तू साक्षात मेरा रूप। बहुत काल से योग लगाने वाले योगी, निरंतर योगी, साक्षात मेरा स्वरूप है। अभी सुनो मुरली, बाबा ये नहीं कहते किसी देहधारी की याद तो ना आए, पर विदेही बाप की याद ऐसी हो, साकार को देख चलन ऐसी हो जो और कोई देखे तो उसकी याद आ जाए। कहां किसी को देहधारी की याद आए, कितनी गलती है, कितनी गलती है। किसी कारण से भी ना आए, बहुत गलती है। और विदेही बाप की ऐसी याद आए ब्रह्मा बाबा को, बाबा ने कहा मात पिता को फॉलो करो 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 करो, तो मात पिता के दिल तख्त पर बैठ जाएंगे। मात पिता को और कुछ नहीं कहता, मात पिता को फॉलो करो सहज सहज, ऐसे 8-10 बातें रखो ना भाई बुद्धि में, मुझे क्या करने का, मुझे क्या करने का, मुझे क्या करने का। हाँ? तो बाबा पर इतना भोला है, हम ख्याल करेंगे ना ये करने का है तो हो जाता है। करूं कैसे करूं, मेरे लिए तो थोड़ा इच्छा तो है, सोचते रह जाएंगे, टाइम चला जाएगा, बाबा भी चला जाएगा, हमको लेके जाएगा, सोचने वाले रह जाएंगे। हा? सोचने वाले रह जाएंगे, तो करने वाले रह जाएंगे। हा? इतना ध्यान रखेंगे मुझे तो नहीं कहना है, सोचना नहीं है, यही करना है। अच्छा सुनो, अभी कल मैं या नहीं होंगी, कल नीचे होंगी, तो मैंने कहा आज जो दिन ना हो, दिल में जो पता नहीं क्या प्यार बाबा के लिए है तो परिवार के लिए भी है। परिवार में ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए प्यार ना हो, कोई समझता नहीं है, पर मैं बताती हूँ, मैं सच्ची बताती हूँ, मेरे दिल को देखो किसके लिए न प्यार हो, ऐसे नहीं है, पर प्यार प्यार से लेन देन होती है ना तो खींच लेते हैं। प्यार बतलाया नहीं जाता है, दिखाया नहीं जाता है, पर सच्चे प्यार की प्राप्ति क्या है, अनुभव की जाती है।
यात्रा पर जा रहे हैं ना कट्ठे कट्ठे, ऊंची मंजिल पर अकेले नहीं जा सकते, कट्ठे कट्ठे जा रहे। पंछी एक नहीं उड़ता है, उनको देख करके अनेकों उड़ने लग पड़ते हैं वाइब्रेशन से। अनेक आसमान में देखो कितनी रिमझिम है, जब उड़ते हैं तो बस।